हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ द इंडियंस। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। हमारा नेक्स्ट एपिसोड का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है द लिविंग रीफ इन द नेचर। नेचर में जो लिविंग रीफ है उसके ऊपर हम पहले थोड़ा आइडिया कलेक्ट करेंगे कि आखिर ये लिविंग रीफ होता क्या है, नेचर में वो रहते कैसे हैं, किस पैरामीटर में रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। द कंप्लीट बुक ऑफ द मरीन एक्वेरियम, द कंप्लीट बुक ऑफ द मरीन एक्वेरियम इज अ फुल्ली एसेसिबल एंड ग्राउंड ब्रेकिंग रेफरेंस बुक विच प्रोवाइड्स एक्सपर्ट एडवाइस ऑन हाउ टू अचीव जस्ट दिस। हाय, वेलकम टू सीस्केप्स। नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। The living reef in nature। आज हमारे इस सेशन का सेकेंड एपिसोड है और इस सेकेंड एपिसोड का जो टॉपिक है द लिविंग रीफ इन नेचर, रिटन बाय डॉक्टर विंसन हार्ग्रेवेस, एक्सप्लेन्ड बाय अभिषेक चौधरी। आज हम डिस्क्राइब करेंगे द लिविंग रीफ इन नेचर में कि समुंदर के नीचे किस तरह, एक्सप्लोरिंग द डीप, किस तरह समुंदर के नीचे नेचर में, समुंदर के किस पैरामीटर में जो मरीन फीचर रहते हैं, मरीन फिशेस रहते हैं, मरीन क्रिएचर्स रहते हैं, वो किस एनवायरनमेंट में, किस पैरामीटर में, किस तरह रहते हैं। मरीन एक्वेरियम बनाने के लिए, मरीन एक्वेरियम के बारे में जानने के लिए सबसे पहला मरीन क्रिएचर के लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रकृति में, वो नेचर में कैसे रहते हैं, प्रकृति में किस माहौल में रहते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे रहते हैं, किसके साथ रहते हैं। जब तक आप उसका नेचुरल ओरिजिन को नहीं जानोगे, उसके नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को नहीं जानोगे, उसका नेचुरल बिहेवियर को नहीं समझोगे, तब तक आप सही ढंग से मरीन एक्वेरियम को सक्सेसफुली अपने घर में, अपने घर के किसी भी कॉर्नर में नहीं बना पाओगे। सो लेट्स बिगिन Exploring the deep। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि समुंदर के नीचे जो कोरल रीफ एरिया है या जो भी मरीन एक्वेरियम के जो क्रिएचर्स हैं, जो भी मरीन फिशेस हम आप अपने घर में रखते हैं, अपने एक्वेरियम में रखते हैं, पालते हैं, वो किस एरिया में रहते हैं, किस तरह रहते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, यही चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए चलिए आज हम स्कूबा डाइविंग के थ्रू या समुंदर के अंदर जाकर, समुंदर के नीचे जाकर इस मछलियों के प्राकृतिक घर में प्रवेश करके प्राकृतिक एनवायरनमेंट को देखते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि ये प्राकृतिक रूप में ये सारे मछलियाँ, ये सारे क्रिएचर्स किस तरह रहते हैं और कैसे रहते हैं। चलिए डाइव डाउन इनटू द डीप ओशन। आज हम समुंदर के नीचे प्रवेश करते हुए आपको दिखा रहे हैं उस परिवेश को, उस माहौल को, जिस परिवेश में, जिस माहौल में ये सारे लाइव फिश बहुत अच्छे से, खुशी से, लाइव क्रिएचर, लाइव कोरल, लाइव एनिमोन और ये लाइव फिशेस एक्सेप्शनली और
फ्रीली अपने घर में रहते हैं। इनके घर का जो अपना घर, ये जिसे अपना घर मानते हैं, अपना परिवार, अपने परिवेश, अपना माहौल मानते हैं, उस परिवेश को देखने के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये है एक बड़ा सा स्वीट लिप्स, ये येलो स्ट्राइप, ये है क्लाउन फिगर। ये जो फिश आप देख रहे हैं क्लाउन फिगर, ये फिगर एक मेल फीमेल पेयर में है। अभी आपको इसका दूसरा पेयर भी दिखाई देगा, ये रहा इसका दूसरा पेयर। किस तरह के माहौल में, किस तरह के बैकग्राउंड में, मरीन फिशेस का जो कलर है वो कलरेशन बैकग्राउंड के कलर के ऊपर डिपेंड करता है। बैकग्राउंड का कलर मीन्स कोरल रीफ का कलर या बैकग्राउंड का कलर जितना बढ़िया होगा, जितना कॉन्ट्रास्टिंग होगा, उस कलर के अनुसार ही वो कैमोफ्लेक्स करेगा, कैमोफ्लेक्स करते हुए अपने आप को उतना कलरफुल बनाता है। ये रहा ये फीमेल क्लाउन फिगर नीचे छुपा हुआ है, और ये रहा एक बहुत बड़ा सा कारपेट एनिमोन, ग्रीन कारपेट एनिमोन। लगभग ये कारपेट एनिमोन 3 फीट की डायमीटर का होगा। और ये सी स्पॉन्ज, ये ऑरेंज कलर के आप जो भी देख रहे हैं ये है सी स्पॉन्ज, और जो पिंक कलर के हैं वो कोरल्स हैं। ये पिंक कलर के कोरल्स हैं और सी फैंस है। ये एक बटरफ्लाई, एक कॉपरमैन बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली कॉपरमैन बटरफ्लाई है नहीं। और बैकग्राउंड में आप काफ़ी सारे फिगर, काफ़ी सारे फॉक्स फेस आप देख रहे हैं। ये जो पेड़ जैसा दिख रहा है, इट्स अ सी फैन, इट्स अ ब्यूटिफुल सी फैन। और ये जो कोरल्स है ये एक्रोपोरा कोरल्स है, और उसके ऊपर बहुत सारे फिशेस हैं कलरफुल। ये जो आप देख रहे हैं ये माहौल समुंदर के नीचे, इस तरह के माहौल में वो रहते हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और डीप जाते हैं और अच्छी तरह इस माहौल को समझते हैं। चलिए समुंदर के नीचे की सुंदरता का और मज़ा लेते हैं। ये जो फिशेस आप देख रहे हैं ये रेड और येलो, ये है स्क्वायरल ग्रुप के फिशेस, ये स्क्वायरल है। और ब्लैक एंड वाइट जो बड़ी बड़ी फिशेस दिख रहा है ये है बैट फिश। ये समुंदर में जो रॉकी माउंटेन होता है, जो कोरल रीफ होते हैं, वो रीफ एरिया के आसपास ये घूमते रहते हैं। ये है क्लार्की क्लाउन, अ बेबी टाइनी क्लार्की क्लाउन, जिस एनिमोन के साथ खेल रहा है, ये है बबल टिप एनिमोन। यहाँ पर ये बबल टिप एनिमोन के साथ ये क्लार्की क्लाउन बहुत मज़े के साथ रह रहा है या खेल रहा है। ये जो श्रिम्प देख रहे हैं ये है कैमल श्रिम्प, ये बहुत कलरफुल, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत हार्डी श्रिम्प है। ये कोरल्स को साफ भी करता है। ये जो खूबसूरत फिश आप देख रहे हैं ये है मॉरिसाइडल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिश इन द वर्ल्ड। ये मॉरिसाइडल कैप्टिव में फीडिंग नहीं लेता है क्योंकि ये नेचुरली सी स्पॉन्ज खाता है। और पीछे जो बटरफ्लाई देख रहे हैं वो सडल बैग बटरफ्लाई, अ पेयर ऑफ मॉरिसाइडल एंड पेयर ऑफ सडल बैग बटरफ्लाई। ये इतने अच्छे खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ, खूबसूरत एनवायरनमेंट के साथ समुंदर में, इस उथाल समुंदर में अपने इस नेचुरल घर में रहते हैं। ये जो एंट्री मार रहे हैं फिश वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप, ये है सिक्स बार एंजल, अ पेयर ऑफ सिक्स बार एंजल। बहुत बड़ी बड़ी कपल ऑफ, सामने वाला फीमेल है और पीछे वाला मेल है, अ पेयर ऑफ सिक्स बार एंजल। दिस इज लायन फिश, ये रेड रेडिएटर लायन है। लायन फिश भी अपने बैकग्राउंड के साथ कैमोफ्लेज करके रहता है। समुंदर में आप जान के रहिए, समुंदर के जो भी फिशेस है, जो भी क्रिएचर है, हर वो क्रिएचर, हर वो एनिमल, हर वो फिश अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपने आप को कलरफुल बनाता है। ये है सी अर्चिन और आसपास छोटे छोटे कार्डिनल फिशेस हैं। ये जो बड़ी सी फिशेस है ये है सन फिश, और सामने है बैनर फिश, और ये है एम्परर एंजल, बैनर फिश का पेयर, और बड़ा सा एक मेल एम्परर एंजल, एडल्ट मेल एम्परर एंजल मूव कर रहा है। ये है सी टर्टल विथ ग्रुप ऑफ ब्लैक डायमंड फिगर, ग्रुप एंड शॉल ऑफ ब्लैक डायमंड फिगर। आप देख सकते हैं कि यहाँ लहर कैसा टू एंड फ्रो कर रहा है। इस टर्टल और फिगर के मूवमेंट के साथ आप समझ पाओगे कि समुंदर का जो लहर है वो किस तरह हाई टाइड लो टाइड के साथ टू एंड फ्रो कर रहा है। टर्टल कोरल रीफ से काफ़ी दूर चलता है और बड़े उथाल समुंदर में अपना सफ़र, सालों साल अपना सफ़र तय करता रहता है। दिस इज मैंटा रे,
इवन यू कैन से इट ईगल रे, ये ईगल रे भी कहते हैं इसे, और ये वास्ट समुंदर में, पैसिफिक ओशन में, इस पार से उस पार पूरे समुंदर में घूमता फिरता है, और ये इतना बड़ा फिश भी जू प्लैंटन और फाइटो प्लैंटन के ऊपर अपना फीडिंग करता है। मेंटा रे और ईगल रे, दीज आर नॉट कैप्टिव फिश, इसे एक्वेरियम में नहीं रखा जाता है, दीज आर प्रोहिबिटेड फिश। ये फिश एक्सटिंक्ट हो रहा है और हमारा जिम्मेदारी है इसे बचा के रखने का। इस लवली ग्रुप ऑफ मॉरिस आइडल, ये जो आप देख रहे हैं इस एक्रोपोरा, ये एक्रोपोरा कोरल रीफ है, ये हार्ड कोरल है, ये कंप्लीटली हार्ड कोरल का बेसमेंट है। इट्स अ ग्रुप ऑफ एंथियस, एंथियस कोरल रीफ से थोड़ा दूर रहता है और समुद्र में घूमता रहता है। इट्स अ पैरोट फिश, ब्लैक पैरोट, इस सर्जन मेजर, सर्जन मेजर फिश है, पीछे एंथियस भी है। ये जो येलो कलर का फिशेस है, ये येलो डैमसेल है, बैकग्राउंड में कार्डिनल भी है और कुछ एंथियस भी है। ये एक्रोपोरा के बीच में रहते हैं और एक्रोपोरा के बहुत, एक्रोपोरा कोरल के बहुत करीब में रहते हैं, बहुत पास रहते हैं। ये ट्रेविली के ग्रुप जब भी फिशेस को अटैक कर रहे हैं, ये सारे फिशेस कोरल में छुप जा रहे हैं। ये है ब्यूटीफुल, अ कपल ऑफ ट्रू पर्कुलर, ये पर्कुलर क्लाउन एनीमोन में अपना अंडा दे रहे हैं, एनीमोन के साथ ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, किस तरह से ये अपने अंडे को सेते हैं, डैमसेल्स भी जा रहे हैं सामने से, और ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ पर्कुलर क्लाउन एंड लॉन्ग टेंटेकल एनीमोन। अब देखिए ये जो खूबसूरती है, ये खूबसूरती आपको मरीन फिशेस या मरीन क्रिएचर के अलावा और कहीं नहीं मिलने वाली है, एंड वी आर द लकीस्ट पर्सन दैट वी कैन एबल टू सी इट लाइव। इट्स अ ब्यूटीफुल बैट फिश, बिग जाइंट बैट फिश, जो उथल समुद्र में घूमती है और बैकग्राउंड में बहुत सारे नाइजर फिगर घूम रहा है, नीचे से एक ब्लॉन्डनेस हो गया। इट्स अ ब्यूटीफुल ऑसम ब्लैक लायन फिश, इट्स ब्लैक पॉलीटेंस लायन, आप देख रहे हैं किस तरह ये डांस कर रहा है, अपने विंग्स को हिला रहा है। इसके विंग्स में, इसके जो डॉर्सल फिन है, इसमें न्यूरोटॉक्सिन, टॉक्सिक पाए जाते हैं, जहर पाया जाता है, जो एक इंसान को लकवा मारने के लिए काफ़ी होता है, ये काफ़ी जहरीला भी होता है, और ये हर रीफ के छोटी मछली को, जो भी मछली इसके मुंह में फिट होता है, ये इस मछली को खा जाती है। ये है ब्लैक पॉलीटेंस लायन, इट्स अ ब्यूटीफुल फिश, वन ऑफ माई फेवरेट फिश। हम इसे एक्वेरियम में रख सकते हैं, लेकिन इसके साथ कोई छोटी मछली नहीं रख पाएंगे, कोई भी छोटी मछली जो इसके मुंह में फिट होगा ये खा जाएंगे। इट्स क्रिसमस वॉर्म, ये क्रिसमस वॉर्म एक डेड कोरल के स्केलेटन में पैदा हुआ है और धीरे धीरे खुल रहा है। इट्स अ क्रिसमस वॉर्म, फेदर डस्टर भी कहते हैं। ये ओपन होने के बाद जो भी फ्लोटिंग जू प्लैंटन फाइटो प्लैंटन है उन्हें कैच करके खा जाती है, और फिर कोई भी अगर शिकारी सामने आए तो ये झट से अंदर भी घुस जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मरीन फिश, एंड दिस इज सी स्लैग, इसे नूडी ब्रांच भी कहते हैं, सी स्लैग। हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे सी स्लैग भी आते हैं, दूसरे दूसरे कलर के। ये हार्डी क्रिएचर है, लेकिन कोल्ड वाटर में रहते हैं, सी बेड के काफ़ी अंदर भी रहते हैं, और बैकग्राउंड के काफ़ी डेंस फॉरेस्ट में, समुंदर के काफ़ी डेंस फॉरेस्ट में ये रहते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्सक्लूसिव क्रिएशन। ये रहा आज आपने जो एनवायरनमेंट देखे, ये एनवायरनमेंट है असली मरीन एनवायरनमेंट। आज जो हमारा टॉपिक था एक्सप्लोरिंग द डीप, मैंने जो आपको बोला चलिए डाइव करते हैं समुंदर के नीचे जाके देखते हैं कि ये सारे मछली कहाँ रहते हैं, किस तरह रहते हैं, क्या खाते हैं, इनका जो नेचुरल फूड है, नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल बैकग्राउंड है, नेचुरल फ्लैट है, इन लोगों का जो अपना कॉम्प्लेक्स है, अपना शहर है, ये शहर कितना खूबसूरत है, इसका होस्टलिटी कैसा है। मरीन एक्वेरियम या मरीन रखना, इट्स नॉट लाइक दैट, ये कांच के बक्से में नमक पानी डाल दिया या इसी मछली को लाके डाल दिया, इट्स नॉट मरीन टैंक। मरीन टैंक अगर आपको करना है तो वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है, वो एनवायरनमेंट डेवलप करना है, वो बैकग्राउंड आपको डेवलप करना है, ताकि उस मछली को भी फील हो कि हाँ हम अपने ही घर में हैं, भले ही किसी और के पास है लेकिन अपने घर के माहौल में ही है, अपने घरेलू माहौल में ही, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के हैबिटेट में ही है। कभी जब तक आप फिश के साइकोलॉजी को नहीं समझोगे, जब तक आप इस फिशेस के बैकग्राउंड को नहीं समझोगे, इनके एनवायरनमेंट को नहीं समझोगे, तब तक आप सही ढंग से मरीन एक्वेरियम को नहीं रख पाओगे और इन फिशेस को खुशी नहीं रख पाओगे, खुश नहीं रख पाओगे और लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं करवा पाओगे। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मरीन फिशेस लोगों के घर में जिंदा ज़्यादा दिन जिंदा क्यों नहीं रह पाते हैं, बिकॉज लैक ऑफ द बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन कि ये फिशेस है कहाँ पे, रहते कैसे हैं, प्रकृति में ये कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह रहते हैं।
यही इन्फॉर्मेशन, यही नॉलेज मैं शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ आया हूँ। मैं अभिषेक चौधरी सिस्क्रिप्ट की तरफ से। आज ये जो किताब है द कंप्लीट बुक ऑफ द मरीन एक्वेरियम रिटन बाय डॉक्टर विंसेंट हार्ग्रीव्स एंड एक्सप्लेन बाय माई सेल्फ अभिषेक चौधरी, ताकि साधारण भाषा में साधारण तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ कि मरीन एक्वेरियम होता क्या है, मरीन फिशेस होते क्या हैं और कैसे रखा जाता है। ये हमारा जो सीरीज़ है, ये सीरीज 75 वीडियोस की सीरीज़ है। 75 वीडियोस में 75 टॉपिक लेके हम आने वाले हैं और ये सिर्फ दूसरा वीडियो है, 73 टू गो। और आप जिस टॉपिक में जानना चाहते हैं वो टॉपिक भी आप कमेंट में दीजिए। अगले 72 वीडियोस में हु नोस कि आपका टॉपिक कितना जल्द आ जाए, कितने जल्द कवर हो जाए, लेकिन मैं अपने वादे के मुताबिक मैं ये 75 वीडियोस कवर करूंगा और मरीन सब्जेक्ट के सारे टॉपिक को इसी 75 वीडियोस में मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। आज हमारा ये दूसरा एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्द से जल्द अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट हमारे तीसरे एपिसोड जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, थर्ड एपिसोड में और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थर्ड एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे रीफ एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ रीफ है, कौन से एरिया में रहते हैं, किस एरिया में, किस टेम्परेचर में, कौन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में पाए जाते हैं कोरल रीफ्स, इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी देंगे। ये सारे जानकारी पाने के लिए आपको जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा हम इस किताब को आगे बढ़ाते जाएंगे और पूरे समुंदर के बारे में जो भी जानकारी इस किताब में है, जो भी जानकारी मेरे दिल और दिमाग में है, वो सारे जानकारी इस वीडियो के थ्रू हम आप तक शेयर करते जाएंगे। लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के हर लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, ये मैसेज दीजिए कि समवन इज़ देयर नेम्ड अभिषेक चौधरी जो समुंदर के सारे खूबसूरत चीज़ों को आपके सामने पेश कर रहा है थ्रू इस चैनल नेम्ड सीस्केप्स क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। सी यू वंस अगेन, सी यू इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। वेट फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, हर हर महादेव, बाय बाय। आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है। हमने जो सीरीज शुरू किया है द कंप्लीट बुक ऑफ मरीन एक्वेरियम, आज का हमारा टॉपिक है रीफ एरिया अराउंड द वर्ल्ड। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ल्ड में, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे ग्लोब में कहाँ कहाँ ये रीफ एरिया है, वो जोन कहाँ है, किस टेम्परेचर में रहते हैं, किस जोन में रहते हैं, किस वाटर पैरामीटर में रहते हैं। सो आज का हम टॉपिक जो शेयर कर रहे हैं वो है रीफ एरिया अराउंड द वर्ल्ड।